क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो ना? हाँ वो कुछ नहीं, सुबह से चाय ज्यादा हो गई है शायद इसलिए। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आती हूँ, तुम खा लो तुम अच्छा फील करोगी। नहीं नहीं ठीक है। अरे वाह, पाल्ला तो बहुत सुंदर दिख रहा है, किसने सजाया? नायरा ने। हमारे गांव में कहते थे जो लड़की कान्हा का पालना सजाती है उसे नेग नहीं देते, क्योंकि उसका नेग बहुत जल्दी उसकी गोद में आ जाता है। ओ वाओ, मतलब नायरा तुम भी? चलो फिर हो जाओ तैयार। चाची आप भी ना, कुछ भी मैं सामान देख के आती हूँ। और हुआ तो भी, दिक्कत क्या है, हम तो खुश हैं। शादी के बाद हर लड़की इस मजाक से बचने की कोशिश करती है, लेकिन ये मजाक सच बनकर उसके सामने आ ही जाता है। दादी बीना और चाची, चाची तो हद ही करती। क्या कर रहे हो ये? वो क्या कर रहे हो का क्या मतलब होता है? कंफर्टर फोल्ड कर रहा हूँ और क्या करूंगा। और कितना फोल्ड करोगे? वो तो रखिए। ओह, और क्या मैं कंफर्ट? तुम डांस प्रैक्टिस कर रहे थे ना मेरे बिना? नहीं नहीं नहीं, तौबा तौबा तौबा, कैसी बात कर रही हो? झूठ मत बोलो। सच कहूँ तो अपना ड्रीम प्रैक्टिस कर रहा था, जो कल तुम्हें बताया था। हाय हाय हाय, क्या लाली आती है चेहरे पे। आओ। क्या है आज पता नहीं, सब लोग चिढ़ा ही रहे हैं मुझे बस। अरे सब मतलब, मैंने मेरा ड्रीम सिर्फ तुम्हें बताया और किसी को नहीं बताया, सच्ची। नहीं नहीं वो नहीं, दादी और चाची किसी और बात पे। कौन सी बात बताओ ना, मुझे भी बताओ कौन सी बात पे। हाँ, ताकि तुम मुझे और चिढ़ा सको, है ना? नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों चिढ़ाऊंगा तुम्हें, मैं कभी चिढ़ाता हूँ तुम्हें? नो नो नो, तुम बताओ तो सही ना कौन सी बात पे। वो क्या, वो क्या आगे भी कुछ होता है कि नहीं? वो कुछ नहीं, वो मैंने झूला सजाया था ना। तो उन्हें पसंद नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, तो वो नहीं। तो फिर कुछ नहीं, छोड़ो। छोड़ दिया उसे, अब डांस प्रैक्टिस करो ना मेरे साथ। वो कंफर्टर के साथ फील नहीं आ रहा था। नहीं करते कभी नहीं, मुझे बहुत काम है। अरे कहाँ काम है, कम ऑन फायरा, मेरा मतलब मेरी राजा, उनसे नोट योर कान्हा प्लीज। उनसे बैठो। क्या हुआ नायरा, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? हाँ हाँ ठीक है, वो तुम्हारे घुमाने से चक्कर आ गया शायद। पर तुम हमेशा इतना डांस करती हो, घूमती हो, इतने चक्कर लेती हो, आज इतने से में चक्कर आ गया, क्यों? ये ओके? हाँ वो शायद काफी देर तक गर्दन झुका के बैठी थी ना झूला सजाने के लिए, शायद इसलिए। I'm sorry, मुझे पता नहीं था। Exactly, तुम्हें पता नहीं था, मैं सॉरी क्यों? I have to take this, मैं पानी लाता हूँ। जी जी, मैं उस दिन के ऑर्डर में दे दिए थे आपको, और कोई भी प्रॉब्लम हो ना यार। नायरा कहाँ चली गई? नायरा तो पता था माँ जी, नायरा के दिमाग में बात आई हो ना हो, लेकिन माँ जी ने तो उम्मीद की लौ जला ली है। ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बात निकली तो लव कुश के दिन याद आ गए। घर में सबसे छोटे वो ही तो है, उन्हीं को तो आखिरी बार गोद में लिया था हमने, वो बात भूलेंगे थोड़ी ना। बिल्कुल सही कह रही है माँ जी, लॉटरी लग गई थी हमारी, एक साथ वो भी दो दो, इतने प्यारे बच्चे। उन्हें आपके लिए तो भेजा था भगवान ने दीदी। वैसे माँ जी, अगर ये नायरा वाली बात सच हो जाए तो बाके बिहारी कीजिए। ये क्या हो रहा है मुझे, एक ही घंटे में तीन बार वॉमिटिंग और चक्कर पे चक्कर, ऐसा भी पता नहीं क्या खा लिया मैंने।
ये देखिए हमारी बेबी फोटोज, कितने क्यूट है ना हम। वाओ सो क्यूट। अब जाओ जाके ले लो नीचे, जाओ जाओ जल्दी जाओ। दीदी याद नहीं आ रही, ऐसे कैसे बोल सकती हूँ मैं। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, ये नहीं हो सकता। और अगर हो गया तो मेरी धोती आगे करके ले। और जय गंगा मैया क्या हो गया, तुम गंगा मैया को इतना क्यों याद कर रही हो? और जिस स्पीड पे चल रही हो ना, अगर रास्ते पे चलना शुरू किया तो सुबह तक ऋषिकेश पहुंच जाओगे। और ओ सो क्यूट लवकुश, कितने प्यारे लग रहे हैं ना। पता है हमारा भी बेबी होगा ना, 3-4 साल बाद जब भी होगा तो इतना ही क्यूट होगा। पता है नायरा, मुझे बेबीज बहुत अच्छे लगते हैं, कितने क्यूट होते हैं ना। और उनकी स्किन इतनी सॉफ्ट होती है, एकदम फर बॉल की तरह। और उनकी आंखें और स्माइल, इट्स डिवाइन। मन करता है बस देखते रहो। पता नहीं क्या मैजिक है, हंसते रोते सोते हर चीज करते हुए बस क्यूट ही लगते हैं। कार्तिक मैं तुम नायरा किट्टू बेटा जरा बाहर जाके मिठाई वाले से बात करना, हम यहाँ नायरा से बात करके पूजा का सब तय कर लेते। हाँ जी ठीक है। कार्तिक क्यों जा रहा है बाहर, मेरी बात भी नहीं सुनी उसने। मुझे बताना था उसको कि शायद मैं ही। आजा बैठो बेटा, एक तो झांकियां सजेगी, झूला तो लगभग तैयारी है, मिठाई हम ऑर्डर कर रहे हैं, और ये देखो ये सारी लिस्ट है। बेबी के आने से तुम जी क्या क्या कहा आपने? वो मैंने सुना नहीं, कहिए ना। हम कह रहे थे कि बेबी के आने से तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना? बेबी? हाँ बेबी। हे भगवान, इतनी चिढ़ है तुम्हें उससे? हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो ठीक ही लगती है, वो काम भी अच्छा कर लेती है। दादी कौन बेबी? बबीता कपूर, वो आश्रम वाली। अच्छा वो बेबी, बेबी दीदी। हाँ तो और कौन बेबी है? अब आपको क्या पता। हाँ? कुछ कहा तुमने? नहीं जी नहीं, कुछ नहीं। हमें ना कभी कभी तुम समझ में नहीं आती। खैर छोड़ो उसे, हम ये यहाँ छोड़ के जाते हैं, उसे फोन करते हैं, तुम करो ये सब जल्दी। क्या हो रहा है मुझे गंगा मैया, कार्तिक कहाँ है, मुझे उससे बात करनी है। इतनी जल्दी दिखता भी तो नहीं है, क्या करूं, कितना कंफ्यूजन है गंगा मैया। पर अगर हुआ तो थोड़ा केयरफुल तो रहना ही पड़ेगा ना। ये रिश्ता क्या कहलाता है? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।